सब्सक्राइब कीजिए अननोन टेक चैनल को, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं इसलिए ऐसे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे वाले कैमरे और फ़ोन में थोड़ी बैटरी वगैरह में दिक्कत है। तो कोई नहीं, अभी हम ऐसी बात करेंगे। तो आपको जैसे पता होगा कि कुछ दिनों पहले इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप्स वगैरह बैन करे थे, जिसके साथ साथ यूसी ब्राउज़र से लेके टिकटॉक सब बैन हो गया था, क्योंकि वो हमारे एक टेक्नोलॉजी एक्ट होता है उसके तहत वो बैन करे गए थे। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ अब सबके आगे सामने आ रही है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि टिकटॉक बैन हो गया, पबजी बैन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एक चाइनीज़ ऐप है। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि पबजी बैन क्यों नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी बैन करने की पूरी सलाह बिठा ली थी, एक लिस्ट निकाल ली थी जिसके अंदर पबजी का नाम भी था। पबजी ने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर अपडेट लेके आया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है, अब पबजी बैन नहीं होगा इंडिया में। और जिसका ये सवाल था मेरे से, कई लोगों ने पूछा था पबजी बैन हो जाएगा तो भाई क्या होगा आगे, जितने भी स्पोर्ट्स और वगैरह, तो भाई कुछ नहीं, पबजी बैन नहीं हो रहा है, तो अपना खुला मौज लो। और अगर हाँ, अगर ये बैन भी होता तो हम इसके समर्थन में हैं कि बैन होगा अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर बैन हो गया तो बहुतों का नुकसान है। नुकसान बोले तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे ई स्पोर्ट्स स्ट्रीमर गेमर वगैरह हैं, जो कि इनसे उनका करियर वगैरह भी बना है, जिससे कि आप जानते ही होंगे, नाम लेने की तो ज़रूरत है नहीं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये बैन होना चाहिए या नहीं। पेरेंट्स वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि पबजी बैन हो जाए, सबकी मौज हो जाएगी उनकी तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ई स्पोर्ट्स से पबजी ने ही ज्वाइन करा इंडिया को। इंडिया के अंदर पहले इतना ई स्पोर्ट्स था नहीं, जो कि अब आ गया है, और लोगों को पता चला कि हाँ, और इंडिया में ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ होने लगी है। तो इस हिसाब से होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ई स्पोर्ट्स ऊपर होना चाहिए, और सबको पता भी चलना चाहिए कि ई स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे ऐसे भी अचीवमेंट्स मिल चुके हैं। देखते हैं क्या होगा, अगर बैन होगा ठीक है, नहीं भी होगा ठीक है। और अगर आप चाहते हो बैन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर नहीं चाहते हो बैन हो तो एक लाइक ठोक देना, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अरे इनका तो काम ही है हसना, अब मम्मी इनकी बनाएगी देखे रसना, छोड़ जाने दे हमें नहीं है बसना।